बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। आप बड़े मंदिर में भी आप ही रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप ही रहिएगा, तो फिर कौन से भगवान हैं आप बता दीजिए मुझे। दिक्कत यहाँ है ना कि मुझे कहने का खेसारी लाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? तो सोचेगा ना यार ये ठेला के चीज को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं, हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत जरूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आ जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई आप उसी के लायक हैं, टेम्पुए में रहिए। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक जमाने में भोजपुरी की क्वीन कहे जाने वाली काजल राघवानी को डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का काजल राघवानी से अफेयर चल रहा था। अफेयर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे, यानी कि चंदा देवी के पति थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। बावजूद इसके उनका दिल काजल राघवानी पर आ अटका और वो काजल राघवानी के साथ अपने रिलेशनशिप में मशगूल थे। आपको बता दें कि एक जमाने में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के लव अफेयर्स के चर्चे जोरों शोरों पर रहे हैं। आपको बता दें कि एक जमाने में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के लव अफेयर्स के चर्चे काफी सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाद में दोनों अलग हो गए। आपको बता दें कि अपने अलगाव के इतने वक्त बीत जाने के बाद आज खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू एक पॉडकास्ट के दौरान काजल राघवानी और अपने रिश्ते पर खुलकर बात किए और लोगों से बताएं कि आखिरकार उन्होंने काजल को क्यों छोड़ा, यानी कि काजल राघवानी से उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल जब खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का ब्रेकअप हुआ था तो काजल राघवानी ने खुलेआम खेसारी लाल यादव पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, जिसमें से पहला आरोप ये था कि काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव ने चीट किया है, उनका यूज किया है और उसके बाद उन्हें फेंक दिया है, यानी कि खेसारी ने यूज एंड थ्रो का काम किया है काजल राघवानी के साथ। इसके बाद काजल राघवानी ने आरोप लगाया था कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री महिला विरोधी है। इसके बाद काजल राघवानी ने कहा कि यहाँ पर एक्टर्स अपने पर्सनल इश्यूज को प्रोफेशन के बीच में लाते हैं। काजल का कहना था कि खेसारी के साथ उनका ब्रेकअप हुआ तो खेसारी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, उनके सामने से सारी फिल्मों के ऑफर हटवा दिए गए और उन्हें छोटे जगहों पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। काजल राघवानी का सीधा साधा आरोप था कि खेसारी लाल यादव ने उनका करियर खराब कर दिया। उनके मुताबिक खेसारी लाल यादव ने सभी लोगों को अपने पहुंच के आधार पर मना कर दिया था कि कोई भी काजल राघवानी को काम ना दे और उनके साथ काम ना करे, जिस वजह से काजल राघवानी इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी इतनी पीछे हो गई और वो स्ट्रगलर आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए मजबूर हो गई। इन तमाम आरोपों के बाद जब शुभांकर मिश्रा ने खेसारी लाल यादव से पॉडकास्ट के दौरान ये सवाल किया कि आपको काजल राघवानी ने इतना कुछ कहा था, इतने सारे आरोप लगाए थे, तो उस पर आपको क्या कहना है? इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैंने किसी का करियर बर्बाद नहीं किया, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि किसी को बर्बाद करूँ या आबाद करूँ। हाँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि काजल के साथ मेरा एक रिश्ता था, वो जल्द ही टूट गया, और जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन मेरा पर्सनल नहीं कह सकते उसे। जो भी रिश्ता मैं बनाता हूँ अपनी फैमिली के अलावा, वो सारा प्रोफेशन से ही रिलेटेड होता है। यानी खेसारी ने पहले तो ये साफ कर दिया कि काजल राघवानी के साथ उनका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि काजल राघवानी एक बीच भटक गई थी। इस पर खेसारी लाल यादव ने उन्हें रोका भी था, उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा सब्र कीजिए, राम जैसा थोड़ा सब्र धैर्य लाइए अपने बीच। अगर उनके पास धैर्य रहा होता तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं जब काम नहीं कर रहा था, 4-5 महीने का ब्रेक था मेरे काम में, उस दौरान काजल राघवानी को घर पर बैठना गवारा नहीं हुआ। उनके हिसाब से उन्हें हर महीने काम चाहिए, उन्हें हर दिन काम करना था। इस वजह से उन्होंने छोटे मोटे एक्टर्स के साथ छोटा मोटा रोल या जो भी मिलता गया वो करने लगे। तो जब कोई भी सड़क पर यूं ही सरेआम बिकने लगेगा तो उसके बाद उसकी मॉल में
कीमत या अहमियत नहीं रह जाएगी। इस वजह से उसके बाद मैं उनके साथ काम क्यों करूं? इसीलिए मैंने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि खेसारी ने ये भी कहा कि जब मर्सिडीज पर कोई सवारी किया हो और उसके बाद वो साइकिल पर चलने लगे, टेम्पो पर बैठने लगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम उसी लायक हो। खेसारी ने साफ साफ ये कह दिया कि खेसारी जैसे ब्रांड एक्टर के साथ काम करने के बाद जब काजल राघवानी लोकल आर्टिस्ट के साथ काम करने लगी तो उन्होंने अपना वैल्यू खुद ही डाउन कर लिया। फिर एक ऐसे हीरोइन के साथ खेसारी लाल यादव अगर काम करते हैं जो सभी के साथ काम करती है तो उनके इमेज पर लालचन लगता, जिस वजह से खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को टोटली साइड कर दिया। खेसारी का कहना है कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने पहले वार्न किया था, जो हर जगह बिकेगा वो मेरे साथ नहीं रह सकता। कहने का मतलब है कि जब मंदिर का प्रसाद कोई बन जाएगा तो सभी लोग भंडारा खाने आएंगे ही, तो फिर ऐसे लोगों को मैं क्यों रखूँ? फिर मैं भी हमेशा नए चेहरे का तलाश करता हूँ जिसको नया जरिया मिल सके, नया तरीका मिल सके, एक नया पहचान मिल सके जिससे थोड़ा सा वैल्यू बढ़े। मैं हमेशा थोड़ा धैर्य के साथ रहता हूँ, वैल्यू बढ़ाने पे काम करता हूँ और नई चीज़ों को करना चाहता हूँ। तो खेसारी लाल यादव ने तो कह दिया कि उन्होंने काजल को छोड़ा नहीं था, उन्होंने बस ये सोचा था कि अब किसी नए चेहरे को इंडस्ट्री में लाया जाए ताकि थोड़ा सा इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। लोग काजल और खेसारी की जोड़ी से उब गए होंगे, बट काजल राघवानी को ऐसा कहा गया कि खेसारी तुम्हें काम से हटा रहे हैं, अब वो किसी और को लाने वाले हैं। काजल और खेसारी के बीच में गलतफहमियां आ गई जिस वजह से काजल राघवानी सभी के साथ काम करना शुरू कर दी, जबकि खेसारी ने वार्न भी किया था। और काजल राघवानी यूं ही सबके साथ काम करने लगी तो खेसारी ने भी उनसे टोटली अलगाव कर लिया। यही वजह रही काजल और खेसारी के प्रेम कहानी के दुखद अंत का। इस बात का बयान खेसारी लाल यादव ने खुद ही अपने पॉडकास्ट में दे दिया है और लोगों को बता दिया है कि आखिरकार काजल राघवानी के साथ अब वो फिल्में क्यों नहीं करते, गाने क्यों नहीं करते या फिर उनके साथ अब बातचीत क्यों नहीं करते, क्यों उनसे इतने अलग हो चुके हैं। वेल, आपको खेसारी और काजल के लव स्टोरी, अफेयर्स और ब्रेकअप की कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करें और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।